हेलो फ्रेंड्स, साधना सोमस रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अलग तरीके से सुरन की सब्जी या सुरन मसाला। सुरन को ऑल जिमीकंद या एलिफेंट फूड भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ सुरन के हमारे हेल्थ के लिए कई सारे फायदे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से तीखी और चटपटी सुरन की मसाला सब्जी बना। सुरन के ऊपर के छिलके निकाल के उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। 300 ग्राम सुरन लिया है। सुरन की वजह से हाथों में खुजली आ सकती है, इसलिए हमें हाथों में तेल लगाना है। अब सुरन को कट कर लेते हैं। सुरन को बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। पानी को उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे नमक, नींबू का रस डालेंगे, अब डालेंगे सुरन। पांच मिनट हो गए हैं। सुरन को प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट पे निकाल लेते हैं। हमें इसे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठंडा हो गया है सुरन। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह। सुरन को कट कर लिया है। अब इसे शैलो फ्राई करेंगे। पैन में तेल लिया है। अब सुरन को शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने से सुरन के ऊपर हल्का क्रंच आता है और हमारी सुरन की सब्जी भी टेस्टी बनती है। सुरन का हल्का सुनहरा कलर आने तक शैलो फ्राई कर लिया है। प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। सुरन के लिए ग्रेवी बनाने के लिए सेम पैन यूज करेंगे। 7 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक 1 मिनट तक भून लेते हैं। अब डालेंगे 2 छोटे मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे अच्छे से भून लिया है। अब उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, उसे भी भून लेते हैं। सूखे नारियल का कलर चेंज होने तक उसे भी भून लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे 5 रेड चिली बोरिया या रेड चिली बोल। उसके अंदर के बीज हटा लिए हैं, निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 मिनट तक भून लेंगे। आप इसमें कौन सी भी साबुत लाल मिर्च डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से भून लिया है। अब उसमें डालेंगे 1 टमाटर, 1 कटा हुआ टमाटर। साथ में ऐड करेंगे नमक, टमाटर को जल्दी सॉफ्ट होने के लिए। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे ढक देते हैं, कवर करते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा धनिया डालेंगे, हरा धनिया। साथ में डालेंगे रोस्टेड चने। 2 बड़े चम्मच रोस्टेड चने लिए हैं। आप इसकी जगह रोस्टेड चना दाल भी ले सकते हैं या रोस्टेड बेसन।
इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आती है, तो स्किप मत कीजिए। ठंडा होने के लिए प्लेट पे निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे थोड़ा पानी ऐड करके। मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी कंसिस्टेंसी, स्मूथ कंसिस्टेंसी आई है। हमारा वाटन तो तैयार है। सूरन की सब्जी बनाने के लिए पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल आप अपने आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब उसमें ऐड करेंगे हींग। हींग डालेंगे, अब डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर और एक बड़ा चम्मच गोड़ा मसाला या काला मसाला। अब डालेंगे ग्राइंड की हुई पेस्ट। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस रेसिपी में गोड़ा मसाला जरूरी है, उसकी वजह से इस सब्जी की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है, तो गोड़ा मसाला जरूर डालिए। सभी मसालों को तेल छूटने तक अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम पे चलाते हुए सभी मसालों को तेल छूटने तक अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया। अब उसमें ऐड करेंगे शालों का एक किया हुआ सूरन जिमीकंद। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। दो रोटियां की जगह चार रोटियां खाओगे आप, सबको पसंद आएगी। सूरन को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोट कर लिया है। अब डालेंगे गर्म पानी, पानी हम कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे। सब्जी को उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अब उसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए भी हमने नमक डाला था और सूरन को उबालते वक्त भी नमक डाला था। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वाओ, अब इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ढक देते हैं। गर्मा गर्म सूरन की सब्जी या सूरन मसाला परोसने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर टेक्सचर, वाव बहुत ही बढ़िया। गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिये से। गैस की फ्लेम कर देते ऑफ। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी गर्मा गर्म सूरन की सब्जी या सूरन मसाला तो तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।